मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर देखने से पहले लास्ट लेक्चर देखना कंपलसरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं 4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन जो करवाऊंगी वो 5-स्टार क्वेश्चन, वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड होगा। तो आज के लेक्चर को लास्ट तक देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले के 4 क्वेश्चन मैं एक पैटर्न के करवाने जा रही हूं, तब थोड़ा टिपिकल लेवल का करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इवेलुएट दिस वन। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी का काम इतना ही है कि एक्स हटा के 1 आ जाए। काश ये एक्स नहीं होता तो मैं सिर्फ रेशनलाइज करती, सिर्फ ये एक्स हट जाना, इसके लिए मैं प्रॉपर्टी लगा लेती हूं। मैं इस क्वेश्चन को पहले आई मान लेती हूं। लेट आई इक्वल्स टू 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगी। एग्जाम में आपको पूरा प्रॉपर्टी लिखना होगा। 0 से a एफ एक्स डीएक्स, 0 से a x के जगह पर a माइनस एक्स डीएक्स। अब मैं ये प्रॉपर्टी जब लगाऊंगी i इक्वल्स टू, इसे मैं 1 का नाम दे देती हूं, x के जगह पर a माइनस एक्स, इस x के जगह पर पाई माइनस एक्स, 1 प्लस x के जगह पर पाई माइनस एक्स। अगर अच्छे से देखें, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन एक्स डीएक्स। गौर से देखिए तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका मतलब अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूं। मैं करने जा रही हूं, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं ऐड करूंगी, 1 एंड 2 को मैं ऐड करूंगी, आई और आई को मैं ऐड करूंगी, तो ये 2i होगा। 0 से पाई, 0 से पाई, ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम, 1 प्लस साइन एक्स ऐड करूंगी तो अपर 1 दोनों का ऐड हो जाएगा और ये डीएक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसल्ड आउट, 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। ये 2 नीचे चला गया, ये 2 नीचे चला गया पाई बाई 2, 0 से पाई। अब प्रॉपर्टीज का काम खत्म हो गया, अब इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह बनाना होगा, इसे रेशनलाइज करना होगा। मैं करने जा रही हूं, पाई बाई 2, 0 से पाई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइज का मतलब 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, पाई बाई 2,
जीरो से पाई वन इनटू दिस वन ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बनेगा पाई अपॉन टू जीरो से पाई वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोलेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोलेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा पाई अपॉन टू मैं सेपरेट करूंगी अलग अलग वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर को ऐसे लिखूंगी क्या बन गया चेक कर लेती हूं आगे ये हमारा आई है जीरो से पाई अपॉन टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर को बोलूंगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस टेन वन अपॉन कॉस सेक होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन जीरो से पाई का है और ये आई चल रहा था पाई अपॉन टू अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लेती हूं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई एक बार मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी टेन जीरो माइनस सेक जीरो पाई बाई टू टेन पाई जीरो सेक पाई माइनस वन टेन जीरो जीरो सेक जीरो वन पाई बाई टू ये वन प्लस वन पाई बाई टू इंटू टू पाई स्क्वेयर यूनिट पाई स्क्वेयर यूनिट की कोई आवश्यकता भी नहीं है हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको बताया अभी मैं तीन क्वेश्चन इसी पैटर्न के और करवाऊंगी जिसमें प्रॉपर्टीज का काम सिर्फ इतना ही है इस एक्स को हटाना मैं जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं टोटल 10 क्वेश्चन करवाऊंगी ये 10 क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है मींस P4 के टोटल 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखकर तो एक क्वेश्चन बोर्ड में आपका डन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर जीरो से ए एक्स साइन एक्स अगर मैं इस एक्स को ढक लूं तो मुझे ये क्वेश्चन आता है अगर मैं इसे मिटा दूं तो अब मुझे ये क्वेश्चन आता है कॉस एक्स को टी पुट करूंगी साइन एक्स डी टी डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी आंसर लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर एक्स लिखकर पूछता है मतलब मुझे प्रॉपर्टी लगानी होगी मुझे यहां प्रॉपर्टी लगानी होगी मैं लिख लेती हूं लेट आई इक्वल्स टू जीरो से पाई आई इक्वल्स टू जीरो से पाई एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मैं प्रॉपर्टी फोर लगाने जा रही हूं जैसे ही मैं लिखूंगी यूजिंग पी फोर प्रॉपर्टी क्या है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स जीरो से ए इस एक्स के जगह ए माइनस एक्स
इस x के जगह पर a माइनस x कर लूंगी, अब ये i है, 0 से पाई, x के जगह मैं करूंगी पाई माइनस x, इस x के जगह पाई माइनस x, ये है साइन, इस x के जगह पाई माइनस x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x. अब यहां दो प्रॉपर्टी सिखा देती हूं. पहला, साइन पाई माइनस x साइन x होता है, कॉस पाई माइनस x माइनस कॉस x होता है. क्यों? क्योंकि ये पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस तो नेगेटिव, क्योंकि कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है. तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख लेती हूं. कैसे? 0 से पाई, पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x तो साइन x, 1 प्लस, लेकिन ये माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया. थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं अगर मैं, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई, पाई माइनस x इनटू साइन x अपॉन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x. ये ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो पूरे P4 प्रॉपर्टी का यही तो काम है कि जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2 कर लीजिए. हमारा सेम यही कॉन्सेप्ट है. मैंने एडिंग 1 एंड 2 कर दिया, मैंने 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, LHS I और I2I, मैं LCM सेम कर लेती हूं, 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहां है x sin x, और यहां है, इसे जब लिखूंगी, पाई इनटू साइन एक्स माइनस एक्स इनटू साइन एक्स डीएक्स इनटू डीएक्स, ये और ये कैंसल आउट, पाई साइन एक्स में पाई, पहले एक बार कॉपी कर देती हूं, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, पाई कांस्टेंट बाहर, ये पाई कांस्टेंट हो गया बाहर. अब जब इसे इंटीग्रेट करना होगा, यही तो मैं शुरू से चाहती थी कि यहां एक्स हो ही नहीं, एक्स खत्म हो गया. अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी. कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगी? नाउ पुट, अब मैं पुट करूंगी cos x को t, cos x को मैंने t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू dx dt, sin x इनटू dx, ये माइनस दूसरी तरफ चला गया, ये माइनस दूसरी तरफ चला गया. इन ऐसा करने से लिमिट भी चेंज होता है. न्यू लिमिट कैसा होगा? कैसा होगा? जब x की वैल्यू, dx मतलब ये x की वैल्यू, dx मतलब ये x की वैल्यू, मुझे t चाहिए, x के जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 equal to t, x के जगह पाई, cos पाई की वैल्यू -1,
मुझे टी की दोनों लिमिट पता चल चुका, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने जा रही हूं. 2i इक्वल्स टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स यानी टी स्क्वेयर लिमिट, जहां जीरो था वहां वन होगा, जीरो के जगह वन, जहां पाई था वहां माइनस वन होगा. मैं क्या कर रही हूं, आई की वैल्यू ये माइनस पाई और ये टू, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी. ये क्या लोअर लिमिट ऊपर, अपर लिमिट नीचे, बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू ऊपर, एक प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी टू. प्रॉपर्टी टू था अपना यूजिंग पी टू, क्या था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ये ए से बी है इसे मैं, ये ए से बी है इसे मैं बी से ए कर लूंगी, माइनस आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स. ये क्वेश्चन मैं प्रोसीड कर लूंगी, ये एक माइनस बाहर आ गया और ये दोनों इंटरचेंज हो गया, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर. आई की वैल्यू पाई बाय टू, इसका इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला है टैन इनवर्स टी का, ये हमारा फॉर्मूला है टैन इनवर्स टी का. अब मैं अपर लिमिट डालूंगी, पहले मैं टी के जगह वन डालूंगी, बाद में मैं टी के जगह माइनस वन डालूंगी. ये टेन इनवर्स वन हो गया पाई बाई फोर, माइनस बाहर टेन इनवर्स वन, पाई बाई टू, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, ये आ गया पाई बाई टू, ये दोनों मिलकर पाई बाई टू, और अल्टीमेट आंसर हमारा आ चुका पाई स्क्वायर बाई फोर आंसर. मैं ये नजर नहीं आ रहा आपको तो मैं बगल में लिख देती हूं, पाई स्क्वायर बाई फोर आंसर. ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन था नहीं कुछ, मैं इसलिए स्लो स्लो हर बड़े बड़े क्वेश्चन को अलग से बता रही हूं ताकि आपको बर्डन ना लगे. अभी इसी पैटर्न का दो और क्वेश्चन करवाती हूं. सेम कॉन्सेप्ट पर तीसरा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखकर क्या दिमाग में चल रहा है, आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूं. मेरे मन में चल रहा है कि काश ये एक्स नहीं होता, अगर ये एक्स नहीं होता, नीचे सेक प्लस टेन है, मैं इसे रेशनलाइज कर देती, सेक माइनस टेन से इनटू और डिवाइड कर देती, सेक माइनस टेन से इनटू और डिवाइड करती तो सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन ये दोनों मिलकर वन हो जाता और अपर का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता. कैसे करेंगे मैं बता देती हूं. मैंने लिख लिया लेट आई इक्वल्स टू जीरो से पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स. अब मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं. प्रॉपर्टी है यूजिंग पी फोर. आखिर पी फोर है क्या, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए
एफ ए माइनस डी एक्स, मैं ये प्रॉपर्टी इसमें लगाने जा रही हूं, आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स के जगह ए माइनस एक्स टेन, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, इस एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स और इस एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, अब क्या होगा? जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स, मैं आपको बताने जा रही हूं टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है और सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है। एक्चुअली ये पाई जीरो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये टेन भी नेगेटिव और ये सेक भी नेगेटिव। तो अब मैं इस टेन को लिख ली माइनस टेन एक्स, इस सेक को लिख ली माइनस सेक एक्स, इस टेन को माइनस टेन एक्स। अब अपर से भी माइनस कॉमन, लोअर से भी मैं माइनस कॉमन ले लेती हूं। अभी हमारा ये प्रोसीड आई इक्वल टू ही चल रहा है। मैं क्या कर रही हूं, जीरो से पाई, पाई माइनस, ये माइनस में बाहर कॉमन निकाल लेती हूं, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, मैंने यहां भी माइनस कॉमन निकाल लिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर गौर से देखा जाए तो एलसीएम दोनों का सेम आ चुका है, वन एंड टू का सेम आ चुका। जब कभी डिनोमिनेटर सेम आ जाए हम लोग एडिशन का काम करते हैं। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन इतने सारे मैं क्यों करवाती हूं, क्योंकि मुझे आप में परफेक्शन चाहिए। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर 50 करवाई तो 100 तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और इससे बाहर बोर्ड नहीं पूछने वाला। आपकी और हमारी दोनों की एक ही मंजिल है, बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 और ला के रहेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ साथ रेगुलर स्टडी करते रहिए। वन एंड टू को मैं ऐड करूंगी, वन में है आई, टू में है आई, आई प्लस आई टू आई, टू आई के बाद ये जीरो पाई, एलसीएम है, एलसीएम है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां है एक्स टेन एक्स, और यहां है पाई इंटू टेन एक्स माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। अब समझ लेते हैं, ये और ये कैंसल हो गया, टू आई इक्वल टू जीरो से पाई, पाई टेन एक्स अपॉन दिस वन। मैं जो चाहती थी कि ये एक्स हट जाए, अब हट चुका, कांस्टेंट को बाहर निकाल दूंगी, जीरो से पाई ये टेन एक्स और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब मैं इसे रेशनलाइज करूंगी, आई ये टू इस तरफ आ गया, जीरो से पाई, मैं रेशनलाइज करने जा रही हूं, ये यहां है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। रेशनलाइज का मतलब इस प्लस के बदले माइनस, सेक माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये हो गया पाई अपॉन टू, जीरो से पाई
a प्लस b a माइनस b होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया. tan into sec tan x into sec x minus tan x. ये तो 1 हो गया क्योंकि आप बच्चे पहले से जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं कि sec square minus tan square 1 होता है. sec square minus tan square ये sec square minus tan square 1 होता है. इस i की वैल्यू पाई बाय 2 0 से पाई tan into sec minus tan square. अब पहले से पढ़ाई हुई हूँ मैं कि sec into tan के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस tan square x को तो हम लोग जानते हैं sec square x minus 1 तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे. ट्रिगोनोमेट्री कहता है यहीं से ये tan स्क्वायर उधर चल गया, ये 1 इस तरफ आ गया, sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x. ये बन चुका. अब मैं लास्ट अरेंज कर रही हूं पाई अपॉन 2 sec into tan माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस. अब तीनों का फॉर्मूला अपने को मालूम है, तीनों का फॉर्मूला मालूम है. अब sec इनटू tan का इंटीग्रेशन sec, sec स्क्वायर x को बोलेंगे tan x, 1 इनटू dx को बोलेंगे x. ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट समझ लेते हैं. पाई अपॉन 2 sec x के जगह पाई, इस x के जगह पाई, इस x के जगह पाई माइनस x के जगह 0, इस x के जगह 0. अब देख लेते हैं पाई बाय 2 sec पाई माइनस 1 tan pi 0 sec 0 1 tan 0 0. अब हमारा आंसर आने वाला है ये pi minus 1 minus 1. फाइनल आंसर आ चुका pi by 2 pi by 2 pi minus 2. सिंपल था. और तीन क्वेश्चन मैं करवाई इस पैटर्न के, एक और देखती हूं. इस पैटर्न का ये आखिरी क्वेश्चन होगा और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा क्योंकि एक होमवर्क क्वेश्चन रेडी है. सबसे पहले तो ये sec cosec दिख रहा है. मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट की हूं, क्वेश्चन के सिलेक्शन में मैं बहुत वक्त देती हूं. बहुत सारे क्वेश्चन सोच सोच कर करवाती हूं कि इतना करवाऊं कि इंटायर रेंज कवर हो जाए, एनडीए भी हो जाए, मेंस भी हो जाए, बोर्ड भी हो जाए. मैं इसमें इसे पहले आई मान लेती हूं. लेट आई इक्वल्स टू 0 से पाई, पहले इस tan को लिख लेती हूं sin upon cos और ये बन जाएगा sec को 1 upon cos, cosec को 1 upon sin. ये और ये cancel out हो गया. I की value 0 से पाई ये x, ये sin x और ये sin x ऊपर चला गया. I की वैल्यू 0 से लेकर पाई
ये x sin into sin sin square x। अब ये सिंपल क्वेश्चन आ गया, याद है सिर्फ sin square रहेगा तो कई बार बता चुकी हूं कि अकेले sin square रहेगा तो फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन पहले इस x को तो हटा लूं। इस x को हटाने के लिए मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगी। प्रॉपर्टी 4 कहता है 0 से a fx dx, 0 से a x के जगह पर, इस x के जगह पर a minus x dx, ये i है 0 से पाई x के जगह a minus x, इस x के जगह a minus x हो गया। अब sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये i ही है 0 से पाई पाई माइनस x sin पाई माइनस थीटा sin थीटा। अब मैं इसे इक्वेशन 2 मान ली, इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं 1 एंड 2 को ऐड करने जा रही हूं, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगी। जैसे ही मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगी, i प्लस i 2i 0 से पाई, ये x sin स्क्वायर x पाई sin स्क्वायर x x sin स्क्वायर x इनटू dx, ये कैंसल आउट हो गया, बच गया 0 से पाई पाई sin स्क्वायर x dx, पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0 से पाई sin स्क्वायर x dx। अब मैं यहां एक प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या फॉर्मूला होता है, 1 minus cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर x। मैं यही फॉर्मूले यहां लगाने जा रही हूं, 2i equals to pi 0 से पाई sin स्क्वायर x के बदले इतना upon 2, 1 minus cos 2x upon 2, ये 2i, ये 2 कांस्टेंट बाहर, 0 से पाई 1 minus cos 2x dx। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती हूं, 2i से मैं i निकालूंगी, इस 2i से i, ये 2 प्रोडक्ट में है जो डिवाइड में चला गया, पाई अपॉन 4, 0 से पाई 2 2 जा 4, 0 से पाई 1 minus cos 2x dx, पाई अपॉन 4, 1 into dx का हो गया x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन 2, एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट, ये पाई अपॉन 4 x के जगह पाई 1 by 2 sin 2 पाई x के जगह 0 sin 0 0, ये पाई अपॉन 4 sin 2 पाई की वैल्यू 0, और हमारा आंसर आ गया i की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4। डियर स्टूडेंट, मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन तो आपसे बनता ही है,
जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क वन ऑप्शन ए बी सी या डी. ये लिखा हुआ है थ्री रूट अंडर थ्री, थ्री इंटू रूट अंडर थ्री पाई क्यूब. अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमारे सेपिंग फ्यूचर ऐप पर भी डाउट पूछ सकते हैं. अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप पर चैट बॉक्स है, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. चैट बॉक्स में आप फोटो क्लिक करके इस क्वेश्चन का डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बन जाता है तो इसके सॉल्यूशन भेज सकते हैं. अगर आप ये वीडियो हमारे ऐप पर ही देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं और डाउट अपने पूछ सकते हैं. अब मैं पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन डिस्कस करती हूं. एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, सिंपल है. शो दैट दिस इक्वल टू दिस इफ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू फोर. तो मैं क्या करने जा रही हूं अभी, मैं गिवन जो डेटा है उसे मान लेती हूं. हमारा गिवन है दो डेटा, क्या क्या. पहला ये मैंने मान लिया है एफ एक्स इक्वल टू, मैंने गिवन मान लिया है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, मैंने इसे मान लिया है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू फोर. ये दोनों डेटा गिवन है. अगर ये गिवन है, जो प्रूफ करना है मैं एलएचएस से स्टार्ट करती हूं और आरएचएस ले आऊंगी. एलएचएस है जीरो से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स. मैं प्रॉपर्टी फोर लगा लेती हूं यूजिंग पी फोर. क्या होता है पी फोर वो आपको लिखना है. हमारा हो गया जीरो से ए एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, इस एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स. अब मैं वन यूज करूंगी, इसके बदले ये लिखूंगी और इसके बदले ये लिखूंगी. मैं यूज करने जा रही हूं वन एंड टू. मैं यूज करने जा रही हूं यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू. वन एंड टू यूज करूंगी तो ये इसे मैं आई मान लेती हूं, इस एलएचएस को मैं आई मान लेती हूं. तो ये आई बराबर आ जाएगा जीरो से ए, इसके बदले ये लिख सकती हूं इक्वेशन वन के हेल्प से इनटू, इसके बदले फोर माइनस जी एक्स लिख सकती हूं, फोर माइनस जी एक्स लिख सकती हूं. इनटू कर लेते हैं जीरो से ए फोर इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स. मैं पहले इन दोनों को सेपरेट कर लेती हूं. ये हो गया फोर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स. ये तो मजा आ गया, ये सेम वही आ गया जिसे मैं आई मानी थी, जो एलएचएस था एफ इंटू जी जीरो टू ए, जीरो टू ए एफ इंटू जी. नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे आई बोल सकती हूं. ये हमारा आई हो गया.
आई और आई टू आई फोर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स टू टू जा फोर आई की वैल्यू टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स चेक कर लो टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हमारा आर एच एस आ गया हेंस प्रूव्ड. क्या क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन कहा था शो दैट दिस इक्वल टू दिस. मैंने इससे स्टार्ट किया और आर एच एस ले आई. मैं इसे एल एच एस मानकर स्टार्ट की और यहां तक ले आई जिसे आर एच एस कहते हैं. इतना इससे भी आसान ऑब्जेक्टिव ट्रिकी सिंपल क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूं. देखिएगा बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन है हमारा जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. इसकी वैल्यू निकालनी है. क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं इसे मान लेती हूं. मैंने मान लिया लेट आई इक्वल टू दिस वन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. मैं प्रॉपर्टी फोर यूज करूंगी. क्या था प्रॉपर्टी फोर? जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स को बोलेंगे जीरो से ए. इस एक्स के जगह ए माइनस एक्स बोलेंगे. मैं लगा लेती हूं प्रॉपर्टी जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स के जगह ए माइनस एक्स कॉस इस एक्स के जगह ए माइनस एक्स वन प्लस साइन एक्स के जगह ए माइनस एक्स और एक्स के जगह ए माइनस एक्स. ये क्या बन गया? जीरो से पाई बाई टू साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस थीटा साइन थीटा वन प्लस साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस थीटा साइन थीटा. ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू. ये वन ये टू मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने एडिंग वन एंड टू कर दिया. आई प्लस आई हो गया टू आई. जीरो से पाई बाई टू एलसीएम वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. यहां है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहां है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. ये दोनों कैंसल्ड आउट ये दोनों कैंसल्ड आउट. जीरो इस जीरो का इंटीग्रेशन जीरो. इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया. यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं. हमें इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था. मुझे यहीं से दिख रहा था ये कॉस बनेगा ये साइन बनेगा. मींस डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ये कॉस बनेगा ये साइन बनेगा. जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी साइन प्लस कॉस. साइन प्लस कॉस जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो जीरो आ जाएगा. एक होमवर्क क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं. होमवर्क टू. अच्छा क्वेश्चन दे रही हूं. क्वेश्चन है हमारा जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन
root under 1 minus sin 2x dx. Option, 4 option. Pahla option 0. Pahla option 0. Dusra option 1. Tisra option 2. Aur chautha option 3. Agar aap bachche ko ye option clear nahi dikh raha hai, to main phir bolti hun. Aapko turant respond karna hai. Homework 2. Option A, B, C और D. अगर इसका आपने सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आप ऊपर का क्वेश्चन सीख चुके हैं. अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बने हैं, लेकिन उसी पैटर्न के मैं तीन आखरी क्वेश्चन करवाऊंगी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन सीख गए तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख गए. ये 7 मार्क्स में बिहार बोर्ड पूछी थी. एक जमाना था जब लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता था. सीबीएसई इसे 6 मार्क्स में पूछती है, बाकी स्टेट बोर्ड इसे 4 मार्क्स में पूछती है. अब बिहार बोर्ड भी 4 मार्क्स में पूछती है या 5 मार्क्स में. इस पर जितना बार इंपॉर्टेंट लिखा जाए वो कम पड़ेगा. इसे मैं जितना बार चाहूं इंपॉर्टेंट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट मींस सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सीख जाना है. मुझे दो ही क्वेश्चन और करवाने हैं, वो दोनों इसका रिजल्ट यूज करेगा. मींस एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा का पूरा करना होगा. स्टार्ट करती हूं, धीरे धीरे ले जाऊंगी, अच्छे से सीखिएगा. मैं लिखूंगी लेट लेट आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log sin x dx. मैं इसे 1 मान लेती हूं. इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा देती हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 10-15 बार प्रैक्टिस करना होगा आपको. ये i 0 से पाई बाय 2 log sin x के जगह पर a माइनस x, x के जगह पर a माइनस x. ये बन गया 0 से पाई बाय 2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा. ये log sin, ये log cos. एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, ये पूछेगा तो ये प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो ये बन जाएगा. ये क्वेश्चन में पूछे या ये क्वेश्चन में पूछे, ऐसे ही प्रोसीड करना है. अब मैं करूंगी एडिंग 1 एंड 2. 1 एंड 2 को ऐड करूंगी तो आई प्लस आई 2i हो गया 0 से पाई बाय 2 log sin x plus log cos x into dx. log m plus log n क्या हो जाएगा? log m plus log n बनेगा log m into n. log m plus log n हो जाएगा log mn. अब मैं 2 से इनटू 2 से डिवाइड कर देती हूं. जब कभी कहीं पे भी sin इनटू cos दिखता है तो मेरे मन में इच्छा होती है 2 इनटू sin इनटू cos sin 2 थीटा. इसके लिए मैं 2 से इनटू और 2 से डिवाइड कर दूंगी. ये log मैंने 2 से इनटू किया और 2 से डिवाइड कर दूंगी, ये dx हो गया.
2i equals to 0 से pi by 2 log m upon n. पहले तो 2 into sin theta into cos theta sin 2x. अब log m upon n होगा 0 से pi by 2 log sin 2x minus log 2 into dx. अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ. मैं इसे सेपरेटली सॉल्व करूंगी. log sin 2x dx और इसे सेपरेटली सॉल्व करूंगी 0 से पाई अपॉन 2 log 2 dx. सिखाती हूँ. इसे I1 मान लेती हूँ, इसे I2 मान लेती हूँ. अलग अलग दोनों को प्रोसीड कर लेती हूँ. 2i equal to I1 और इसे I2 मान लेती हूँ. Where, अब एक एक करके पहले I1 को करती हूँ. 0 से pi by 2 log sin 2x dx. समझिएगा, ये क्वेश्चन इसके जैसा दिख रहा है. लिमिट भी सेम है, log sin, log sin. केवल एंगल का अंतर है. यहां 2x है और यहां x है. मुझे दोनों को सेम बनाना है ताकि मैं इसे I लिखी हूं तो इसे भी I लिख सकूं. मैं क्या कर रही हूं इसके लिए, यहां इसे 2x को t मान लेती हूं. मान लिया, डिफरेंशिएट करूंगी. x का dx, t का dt. dx की वैल्यू dt अपॉन 2. लिमिट चेंज करना सिखाई हूं. नया लिमिट क्या होगा, जब x की वैल्यू, ये dx है मतलब ये x की वैल्यू है, ये dx है मतलब ये x की वैल्यू है. जब x की वैल्यू 0, 2 into 0, x की वैल्यू pi by 2, 2 into pi by 2 हो गया. ये हो गया. अब मैं बोल सकती हूं I1, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, I1 के जगह पर log sin t, dx के जगह 1 by 2 dt, लिमिट x के जगह 0, x pi by 2 तो t pi, 1 by 2 constant, 0 से pi log sin t dt. अब मैं धीरे धीरे i के बराबर लाने जा रही हूं. मैं p1 लगाती हूं. याद है p1, मैंने कहा था ना p1 और p2 का उपयोग बड़े क्वेश्चन में छोटा सा उपयोग होता है. मैं p1 लगाऊंगी. p1 कहता है 0 से a f t d t को आप लिख सकते हैं 0 से a f x d x. मतलब लिमिट सेम रखते हुए वेरिएबल बदल सकते हैं. मैं लिमिट सेम रखते हुए वेरिएबल बदल लेती हूं. अब मैं मिलाती हूं कि क्या ये आई आया. log sin x dx तो आ गया, लेकिन पाई बाय टू की बजाय पाई है. तो क्या मैं इस पाई को लिख सकती हूं 2 into pi by 2? क्या इस pi को ऐसा लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं. अगले स्टेप में लिख लेते हैं, 1 by 2 into 0. मैं इस pi को लिख रही हूं 2 into pi by 2 log sin x dx. प्रॉपर्टी 7 याद करिए. यूजिंग p7 क्या था, 0 से 2a fx dx बराबर, ये 2 नीचे आ जाता था
0 से a fx dx ऐसा तब होता था जब 2a माइनस x बराबर fx था। यही तो था हमारा प्रॉपर्टी 7। तो अब ये बन गया i1 इक्वल टू 1 बाई 2, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। क्या मैं इसे अब i बोल दूं? अब तो सेम टू सेम आ गया, लिमिट भी आ गया 0 से पाई बाई 2 और यह भी आ गया log sin x dx। मैं इसे अब i बोल देती हूं। i1 मैंने कैलकुलेट कर दिया, अब i2 की बात कर लेती हूं। तो मैं यहां लिखती हूं now i2 equals to 0 से pi by 2 log 2 into dx। ये log 2 अब अगर मैं आगे इसे देखूं तो i2 के लिए log 2 constant dx का integration 0 से pi by 2, dx का इंटीग्रेशन होगा x 0 से pi by 2, i2 की वैल्यू log 2 अपर लिमिट pi by 2 माइनस 0, i2 आ चुका pi by 2 into log 2। अब मैं इक्वेशन 3 की बात करती हूं। फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन कहता है 2i equals to i1 minus i2, 2i equals to i1, i1 means i, i2 की वैल्यू pi upon 2 log 2। ये i इस तरफ आ चुका minus pi by 2 log 2, 2i minus i equal to minus pi by 2 log 2। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बोर्ड में कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मुझे बोर्ड को स्लाइड करना पड़ा और इस तरफ का पार्ट कट के आपको ये दिख रहा है। तो मेरा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था मेरा, आई 0 से पाई बाय 2 log sin x। इसका मतलब मैं अब आपके लिए एक रिजल्ट लिखने जा रही हूं, सुन लीजिएगा। मेरा रिजल्ट है 0 से पाई बाय 2 log sin x dx का आंसर minus pi by 2 log 2। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, पता होना है। मैं अब, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन मैं दो ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रही हूं जिसमें इस रिजल्ट का वैल्यू ध्यान रखने से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ये क्वेश्चन टिपिकल जरूर है, लेकिन मैंने आपको धीरे धीरे सिखाया है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सीबीएसई अभी तक 5 बार पूछ चुकी होगी और स्टेट बोर्ड 10 बार पूछ चुकी होगी। कहने का मतलब, अब मैंने काउंट नहीं किया कि इतने बार पूछी है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया वो वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस आप 5 बार प्रैक्टिस करिए ताकि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए, सुलझ जाए, क्योंकि आसान है, मुझे तो आसान लगता है, मेरी गाड़ी कभी नहीं रुकती है। आपको भी ध्यान रखना है। 0 से पाई बाय 2 log sin x पूछे या 0 से पाई बाय 2
log cos x पूछे, आंसर आएगा minus pi by 2 log 2. आज के लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं इस रिजल्ट का उपयोग करूंगी, मैं इस रिजल्ट का उपयोग करूंगी जो थोड़ी देर पहले प्रूव करवाई थी. ये ध्यान रखना होगा, समझ लेते हैं. सबसे पहले मैं इसे I मान लेती हूं. लेट I इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. अब क्या होगा, प्रॉपर्टी कहता है x के जगह पाई माइनस एक्स. I इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस x के जगह पर पाई माइनस एक्स. प्रॉपर्टी है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 0 से पाई लॉग कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा. ये लॉग है और लॉग है, मैं इन दोनों को ऐड करने जा रही हूं. एडिंग 1 एंड 2 आई प्लस आई 2i. आई प्लस आई 2i लिमिट 0 से पाई, ये लिमिट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन होता है. 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स. लॉग 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2i 0 से लेकर पाई लॉग a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर. लॉग की प्रॉपर्टी कहती है, मैं यहां प्रॉपर्टी मेंशन कर देती हूं, लॉग एम की पावर एन, ये एन आगे आ जाएगा. इस प्रॉपर्टी को यहां मैं उपयोग कर लेती हूं. 2i इक्वल्स टू 0 से पाई, ये 2 आगे आ गया लॉग साइन एक्स डी एक्स. ये 2 और ये 2 चला गया 0 से पाई. हमें पहले से पता है जैसे ही log sin x आया, ये रिजल्ट हमें ध्यान में आया कि ये रिजल्ट तब अप्लाई होगा जब 0 से पाई बाय 2 होगा. यहां तो पाई है, तो एक प्रॉपर्टी 7 पढ़े है ना, पाई को 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकती हूं. और अब मैं यूजिंग P7. क्या था P7, 0 से 2a f x dx, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 0 से a f x dx. और यहां हो जाएगा ये तब जब 2a माइनस x बराबर f x होगा. तो इस P7 प्रॉपर्टी के अनुसार
ये 2 नीचे आ जाएगा 2 into 0 से pi by 2 log sin x dx. अब तो आ गया, इसका तो हमें रिजल्ट मालूम है. अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है. अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा है तो उतना लंबा थोड़ी कर सकते हैं. मैं सीधा सीधा इस रिजल्ट को लिख दूंगी, नीचे में लिख दूंगी ये रिजल्ट माइनस पाई बाय 2 लॉग 2. अगर आपके पास समय है और फुल मार्क्स चाहते हैं, मेनली टाइम अगर है, तो यहां से यहां के बीच जो 15 लाइन था उसे आप दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं वही फेमस रिजल्ट का उपयोग करूंगी. ये tan cot तो समझ में आता नहीं है, हम लोग इसे sin cos में बदल लेते हैं. 0 से pi by 2 log tan theta plus cot theta d theta को लिखेंगे 0 से pi by 2 log, इस tan को लिखेंगे sin upon cos, इस cot को लिखेंगे cos upon sin into d theta. सिंप्लीफाई करेंगे 0 से pi by 2 log sin into cos, sin into cos, sin into sin, sin square, cos into cos, cos square. ये sin into cos देखते ही इच्छा हो रही है कि 2 से into हो जाता. ये sin into cos को देखकर हम लोग, इसे देखकर ये समझ सकते हैं कि 2 से into और 2 से into हो गए. ये बन चुका 0 से pi by 2 log 2 upon sin 2 theta d theta. log m upon n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से pi by 2 log m minus log n sin 2 theta और ये d theta. मैं दोनों को अलग-अलग प्रोसीड करूंगी, 0 से pi by 2 log 2 d theta, 0 से pi by 2 log sin 2 theta d theta. याद आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, केवल इस 2 theta के जगह theta रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा. अभी इसे कुछ नहीं करूंगी, इसे प्रोसीड करूंगी. पुट 2 theta equal to t, 2 into d theta ये dt, इस d theta की वैल्यू dt upon 2, लिमिट चेंज करूंगी, नया लिमिट क्या हो जाएगा, new limit क्या होगा, new limit कहता है जब ये d theta है, मतलब ये theta है, theta 0, theta pi by 2, t क्या होगा, जब थीटा 0 तो t की वैल्यू 2 into 0, जब थीटा pi by 2 तो t की वैल्यू 2 into pi by 2 यानी कि pi. अब ये क्वेश्चन बन चुका हमारा पहले जैसा, ये log 2 बाहर d theta 0 से pi by 2 और यहां बन गया log sin 2 theta के जगह t
डी थीटा के जगह 1 by 2 dt, लिमिट 0 के जगह 0, पाई by 2 के जगह पर 2 into पाई by 2. डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट पुट कर दी मैं, ये 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, 0 से 2a log sin t dt. अब मैं इंटीग्रेट कर लेती हूं, मैं यहां इंटीग्रेट कर लूंगी, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन log 2 pi by 2 minus 0 और यहां 1 by 2, 0 से 2a, 0 से 2a, ये 2 नीचे आ गया, 0 से a log sin t dt. ये कैसे हुआ, मैंने क्या यूज किया यहां, मैंने यहां प्रॉपर्टी 7 यूज कर लिया, 0 से 2a में 2 नीचे आ गया, ये बन गया pi by 2 log 2 minus 0 से pi by 2 log sin t dt. अब इसका रिजल्ट अपने को बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है याद दिला देती हूं, रिजल्ट है 0 से pi by 2 log sin x dx या sin t dt minus pi by 2 minus pi by 2 log 2, यही तो रिजल्ट है, जो 7 मार्क्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था. मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगी, pi by 2 log 2 minus minus pi by 2 log 2. ये मैं कहां से लिख दी, रिजल्ट, मैंने यूज किया है रिजल्ट को. माइनस माइनस प्लस pi by 2 log 2 plus pi by 2 log 2, log 2 common pi by 2 plus pi by 2, ये बन गया pi log 2. That's all, answer आ गया. बच्चे, अब मैं बात कर रही हूं properties of definite integral का main topic, P4 आज complete हो गया. अब पूरा integration जो कई लंबे समय से पीछे चलता चला रहा था, अब सिर्फ एक लेक्चर का बचा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. मैंने होमवर्क दे रखा है, अगर आप बच्चे ये होमवर्क बना लेते हैं तो आपका कमांड और अच्छे से हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे. तो आप बच्चों का फीडबैक मुझे चाहिए रिप्लाई में, कमेंट में, कि आपका इंटीग्रेशन का जर्नी कैसा रहा, स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप सीखे या नहीं, क्या बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन अब पक्का हो गया, यस और नो कमेंट करिएगा, क्योंकि जो अगला तो चैप्टर है ना 8 और 9, बहुत सिंपल है, आसान है, जितनी मुश्किलें थी वो चैप्टर 7 में ही थी. थैंक यू.